है वॉच टावर करके कुछ जगह है, ऊपर चढ़ के वहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है यमुना का, ग्रीनरी पूरा, ओखला बर्ड सेंचुरी का नज़ारा दिखता है। तो वॉच टावर करके है आगे एक। सो फाइनली दोस्तों बैठने की जगह मिल गई है, ये इस जगह का नाम ओखला बर्ड सेंचुरी की जगह ओखला लव बर्ड सेंचुरी होना चाहिए। भाई कपल जी कपल बैठे हैं। सो जी दोस्तों मैं हूँ यहाँ पे वॉच टावर पे ओखला बर्ड सेंचुरी के, अद्भुत ही दृश्य है यहाँ से। एक तरफ आपका नोएडा दिख रहा है और इस तरफ आपका दिल्ली दिख रहा है, बिल्कुल बीच में पॉइंट में है यहाँ पे, बहुत ही अद्भुत अच्छी। व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली, सभी सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा और मेरे दिल से नमस्कार, स्वागत करता हूँ मेरे नए ब्लॉग में सुनहरी सुबह के साथ। आज फिर हम सोच रहे हैं कहीं जाने की, दिल पीछे पड़ा हुआ नहीं बताएगा कहाँ जाएंगे फिर हम। गुड मॉर्निंग मनी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या बन रहा है? क्या मेथी के परांठे? बहुत पसंद है मेरे को, फेवरेट मेथी के परांठे तरीके से तो बन रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो दो चार दिन से यार ये पीछे पड़ा हुआ है, दो चार दिन क्या बहुत टाइम हो गया इसको, जब मैं चक्राता गया था उससे पहले ही पीछे पड़ा हुआ है जाने के लिए। तो बता दो आप कहाँ जाएंगे गुनु आज? ओखला बर्ड सेंचुरी। है कहाँ जाएंगे? ओखला बर्ड सेंचुरी। ओके चलो फिर, तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एंड उसके साथ साथ फिर तैयार होते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर निकलते हैं अपने नए डेस्टिनेशन में विच इज ओखला बर्ड सेंचुरी। बने रहिएगा ब्लॉग पे, देखते रहिएगा एजे लिमिटलेस ब्लॉग्स। चलिए ब्लॉग का शुरुआत करते हैं लेके भोलेनाथ का नाम, हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स अपन लोग हो गए हैं तैयार, नाश्ता वास्ता करके फ्रेश और एकदम मस्त तैयार हो गए हैं एंड वीर भी तैयार हो गया है। फिर चलें दोस्तों, चलते हैं ओखला बर्ड सेंचुरी। अब वीर पीछे तो पड़ा हुआ है कि मेट्रो से चलते हैं, वो मेट्रो में भी नहीं बैठा, मैं मेट्रो में नहीं घूमा तो देखते हैं, मेरा तो मन नहीं है क्योंकि गाड़ी से जाएंगे तो 20 मिनट का रास्ता है मेट्रो से, फिर उतरो चढ़ो पार्क करो आधा घंटा से ज़्यादा लग जाना है, तो कोशिश रहेगी गाड़ी से चलते हैं लेकिन पीछे पड़ा हुआ मेट्रो से चलना। मेट्रो में? हाँ। नहीं यार बोलूँ गाड़ी से चलेंगे। अरे पापा। नहीं यार बोलूँ यार गाड़ी से फटाफट पहुँच जाएंगे, फटाफट जाएंगे, फटाफट आ जाएंगे। मेट्रो में क्या देखना है आपको? मेट्रो में नहीं बैठे आप? क्या यहाँ से मेट्रो स्टेशन चलते हैं, फिर मेट्रो में चलेंगे ठीक है? यार बहुत टाइम लग जाना है गुनू, मेट्रो में ना बहुत टाइम लग जाएगा यार, गाड़ी से चलते ना यार। नहीं गाड़ी चलते हैं यार। हाँ गाड़ी से नहीं, मेट्रो से। हाँ। चल चलिए दोस्तों, मान नहीं रहा है बेटा, बहुत टाइम लगेगा यार, गाड़ी से फटाफट पहुंच भी जाएंगे। अरे नहीं मेट्रो बहुत ज्यादा तेज चलती है। मेट्रो में और इसको सामने वो सुपर टेक वालों की बिल्डिंग है वो भी देखनी है, तो हाईएस्ट है लॉन्गेस्ट लंबी बिल्डिंग है जो वो भी देखनी है ना। हाँ। वो भी दिख जाएगी ठीक है। मैंने यार ये जिद कर रहा है मेट्रो में चलना है यार, कार में चलते हैं ना भी। नहीं जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं मेट्रो से और तेज चलते हैं। चलो यहीं से चल लो, कहीं से भी चल लो। सो जी दोस्तों नोएडा सिटी सेंटर में हमने गाड़ी पार्क कर दी है क्योंकि मेरे बेटे को मेट्रो में जाना है। अलग ही हिसाब किताब चल रहा है इधर, गाड़ी छोड़ के मेट्रो में ट्रेवल करना है इसको। अरे गाड़ी में तो पापा रोज घूमते हैं, एक दिन मेट्रो में घूमना है। यहीं से ऑफिस जाते हैं पता है, यहीं गाड़ी स्कूटर लगाते हैं, यहीं से फिर ऊपर चढ़ता हूँ। आज तो ऐसा लग रहा है गुन्नू तेरे चक्कर में संडे को भी ऑफिस जा रहा हूँ मैं। एक आपका चलो ऐसे टच कर रहा है ठीक है, बस ऐसे करा वन, अब तुम करो आ जाओ, तुम करो चलो आ गई मेट्रो, आ गई भागो भागो आ गई, अभी तो रुक रही है। अबे यही थी बे,
निकल गई वे, निकल गई। अब दो तीन मिनट आगे देखो। जितनी देर हमने पार्किंग करने में यहाँ पे पहुँचने में लगा दी ना, उतनी देर में हम पहुँच भी जाते। सही। उतना वन सेंचुरी ये रहा सामने, अब तक तो पहुँच भी जाते हम। अभी मेट्रो आ गई तुम्हारी, सुनो जाएगा मेट्रो में। हाँ। पहली बार बैठा है, बैठा ही नहीं पूरा भरा हुआ। यहाँ से दिल्ली स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से नोएडा। तो दोस्तों आप देख के समझ ही गए होंगे, अगर आप ओखला बर्ड सेंचुरी आना चाहते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन ओखला बर्ड सेंचुरी है। बोटेनिकल गार्डन आए या तो वहाँ से फिर चेंज करनी पड़ती है ओखला बर्ड सेंचुरी, और वहाँ से मुश्किल से सामने दिखेगा कहीं पे, सामने कहीं से एंट्री है यार। ये ओखला बर्ड सेंचुरी और ये सुपरनोवा। यहाँ से उतरे थे दोस्तों, यूँ 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 आए इसमें से फिर यहाँ आए। फाइव मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है मेट्रो से। अब चाहे तो ऑटो भी कर सकते हैं, उस साइड से घुमा के लेके आएगा आपको उधर से। फ्रूट चाट मन कर रहा खाने का मेरा तो। ये आ गए ऊपर, यहाँ से एंट्री है। जाओ टिकट दीदी। दोस्तों यहाँ से अपन ने टिकट ले लिया है और ये सब 30 रुपये एक जने का टिकट है और इसका नहीं लगा है तो फ्री में आ गया बेटा फ्री आ गया, 30 रुपये एक जने का है। कैंटीन है ना, ये रही थे कैफे। ये देखो मैं कह तो रहा था यहाँ अंदर, मैंने देखा है तो बाहर कह रहे थे कि अंदर है नहीं मेरा कैफे। तो सूखा पड़ा है भाई। तो यहाँ कौन कौन सी बर्ड्स मिलेंगी आपको, सारी इन्फॉर्मेशन इधर दी गई है। ये बर्ड मिलेंगी ट्रीज के बारे में, गूलर ट्री कैसा होता है तो आप देख सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई है। ये कौन सा ट्री है भाई, हिंदी नेम अबाबिल। तो वहाँ पे एक रास्ता है जो कॉन्क्रीट वाली रोड होती है और ये नेचर ट्रेल है जो साथ साथ चलती है इसके यमुना रिवर और जो यहाँ पे सूखी पड़ी है बिल्कुल। तो हम यहाँ से नेचर ट्रेल से जा रहे हैं तो ये चीज़ें भी मिल सकती हैं। सावधान रहेंगे सतर्क रहेंगे उसमें आ सकते हैं, थक जाओगे जाएंगे ऐसे और आएंगे उसमें, ठीक है इसमें आ जाएंगे जाते इसमें। बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, सुकून शांति। अगर आप चाहते हैं थोड़ी देर के लिए शांत वातावरण में आना, या आप कपल हैं तो उनके लिए भी अच्छी लोकेशन है मनी यहाँ तो बच्चों के बिना आना चाहिए था अब यहाँ से क्या है कि जो ये नेचर ट्रेल है ये ख़त्म हो जाएगा और रास्ते से ये रोड से आगे जॉइंट हो जाएगा। फिर वहाँ से आगे वॉच टावर करके कुछ जगह है, ऊपर चढ़ के वहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है यमुना का, ग्रीनरी पूरा ओखला बर्ड सेंचुरी का नज़ारा दिखता है। तो वॉच टावर करके है आगे एक, सो कोशिश करते हैं वहाँ तक जाने की बच्चों के साथ। यहाँ पे ख़त्म, अभी आ गए ना रोड, देखेंगे रोड आ गई।
यहाँ से नेचर ट्रेल का रास्ता खत्म और ये रोड आ गई। चलो आसमान की ऊंचाइयों में, आसमान की ऊंचाइयों में कोरा 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 ही कोरा। देखो तू कैसी आ रही है। अबे ये तारों की है वो, इतने हजार वोट की तार जा रही है ऊपर से, निकलो यहाँ से। तुम्हें लग रहा बर्ड की आवाज है, तारों की आवाज है भाई, करंट दौड़ रहा ऊपर उन पे, साए 11,000 वोल्ट का। मैंने पढ़ा था कि भाई अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर के बाद मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि काफ़ी माइग्रेटेड बर्ड्स होती हैं, माइग्रेट बर्ड्स होती हैं वो यहाँ पे आती हैं, तो सबसे अच्छा टाइम होता है यही। लेकिन यहाँ तो पूरा सूना ही पड़ा है। बुरी बुरी देखो ये पत्ता हिल रहा, देखो नहीं तेरे में सामने, देखो बुरी बुरी देखो पत्ता हिल रहा है ना, देखी देखो 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 देखी बर्ड, देखी बर्ड नागिन दिख जाएगी अभी तुम्हें। चल बे सपोले आजा, टका टक्का खाएंगे, खा खू के फेंको यार। हाँ भाई क्यों हो रही है दोनों की लड़ाई, सिद्धि में बैठो कह रहे थक जाना। तुमने ही तो बोला था हर बार ये होता है कहीं ना कहीं इसको घूमना होता है और लास्ट में थक हार के पैदल चलते जाते थक जाता है, मेरी कब सिद्धि में बैठना पड़ता है। नहीं तो तुमने ही तो बोला था निकले, और अभी तो कार भी नहीं लाने दिया जिसने। हां कार तो उधर खड़ी है हमारी। आजा बेटा उधर बैठ, आजा उधर, आजा आजा आजा। थक गया क्या, थक गया, अभी तो मेट्रो में जाना है। अभी तो और भी जाना है। बोला था ना मैंने गाड़ी वो फट से आते 10 मिनट में, 10 मिनट में चले। हां वो देखो अभी कितना दूर है, इधर देखो यार। ओह यार कितनी देर हो गई हमें, कितनी देर हो गई चलते चलते, आधा घंटा आधा घंटा हो गया गाइस, चलते जा रहे चलते जा रहे, और अभी कोई अंत नहीं दिख रहा है कि कहाँ पे जाके ये चीज़ खत्म होगी। हम जो जाना चाह रहे हैं, हम वॉच टावर तक जाना चाह रहे हैं, वहाँ से पूरा अच्छा दिखता है व्यू, सो उसी की आशा में चलने में लगे हैं। लेकिन ये थैंक यू हो चुका है इधर, चल रहे हो, चल लोगे, चल लोगे, चलो थोड़ा सा और चलते हैं, थोड़ा सा और। भाई जिम्बल ले रखा उसने, पता नहीं कौन सा था, TGI का था शायद, महंगा आता है, 10-12 हज़ार रुपये का आता है वो जिम्बल। हाँ खैर यार अपने अपना हिसाब है, पर वो ट्रैवल व्लॉग वाले कवर करते रहते हैं ना ये चीज़ें। हम तो बेसिकली घूमने के लिए आ रखे हैं भाई, और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अपने व्यूअर्स को देने के लिए। अरे बच्चे कहाँ गए, क्या हुआ, कहाँ हुआ मेरे बच्चे, कहाँ मेरे बच्चे। सो फाइनली दोस्तों बैठने की जगह मिल गई है, ये इस जगह का नाम ओखला बर्ड सेंचुरी की जगह ओखला लव बर्ड सेंचुरी होना चाहिए। भाई कपल जी कपल बैठे हैं, एक बेंच खाली नहीं छोड़ा हुआ है इन्होंने, भाई मैं वहाँ से चलते हुए आ रहे हैं हम लोग, और एक बेंच खाली नहीं बैठने की जगह, बड़ी मुश्किल से एक बेंच खाली मिला है। तो अब जाके हमने टेकी है, तब जाके हमने तशरीफ़ रखी है, थोड़ा सा आराम ले रहे हैं, बहुत पैदल चलना पड़ रहा है। तो मैं कह तुम बैठो, मैं फटाफट वॉच टावर तक होके आता हूँ, ठीक है, ठीक है, आप वीडियो में देख लेना वॉच टावर पे, ठीक है। टावर तक तो फिर चलना पड़ेगा अपने आप, गाड़ी कोई आ रही है, गाड़ी कर लेता मैं, गाड़ी कर लेते पर पूरी भरी, गाड़ी आ रही है, भर के आ रही है उधर से, मैं पैदल चलता हूँ, आप गाड़ी आएगी ना वहाँ पीछे से तो आप गाड़ी में बैठ के आ जाना, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। अभी बहुत दूर चलना है ना बेटा, आप चल नहीं पाओगे, थक जाओगे, तो शक्ल देख कैसे बना ली। बच्ची हो। दिल टूट गया बेचारे का, वॉच टावर देख लाए। अच्छा अच्छा अभी गाड़ी है, गाड़ी बैठ के आ जाना, तब तक मैं चलता हूँ, ठीक है, पैदल बाय बाय। अभी दोस्तों अब क्या है ना कि ये तो थक गए, चल नहीं पा रहे, तो मैंने सोचा कि मैं ही चला जाता हूँ वॉच टावर तक, फटाफट होके आ जाता हूँ, एंड फिर आते हुए वहाँ से जो है वो कार, छोटी वाली कार चल रही है यहाँ पे, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं, सो उसको लेते हुए आएंगे और फिर इनको यहाँ से उठाते हुए निकल लेंगे सीधा।